हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रुचि सिंह, फोर्थ केमिस्ट्री क्लास टीचर। टुडे आई टॉक अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की। एंशिएंट टाइम में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब जो हमारे एंशिएंट इंडिया के फिलोसोफर थे, उन्होंने जैसे महाशिव पढ़ा दी है, बताया कि जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। मैटर तो महर्षि कैलाश जी ने बताया कि जो मैटर होता है वो स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जब हम मैटर को ब्रेक करते हैं तो वह स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। वह स्मॉलर पार्टिकल इतना छोटा होता है कि उसे और स्मॉलर पार्टिकल में हम नहीं ब्रेक कर सकते हैं। तो महर्षि कैलाश जी ने उस स्मॉलर पार्टिकल को परमाणु या एटम नाम दिया। तो परमाणु या एटम क्या है? एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। समझ में आया बच्चों? एटम्स क्या होते हैं? एटम इज ए स्मॉलर पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो होता है हमारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, विच मे बी एटम आर मॉलिक्यूल। उस स्मॉलर पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम। मैटर जो होता है वो स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फॉर द एग्जाम्पल इज चाक। चाक इज अ मैटर। जब हम चाक को ब्रेक करते हैं, इसका पाउडर फॉर्म में आता है, जो इसके पाउडर फॉर्म में जब आता है इसमें स्मॉल पार्टिकल होते हैं, उस एक सिंगल पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे? एटम। अगर ये मॉलिक्यूल होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा एक मैटर है, जब हम चाक को ब्रेक करते हैं वह स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक हो जाता है, उस एक सिंगल पार्टिकल को हम एटम या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? एज आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। हमने चौक लिया है, दूसरा मैटर हमारा डस्टर हो गया, दोनों क्या हुए? डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। जो हमारे डस्टर के एटम है वो अलग है और चौक के एटम क्या है? अलग है। मतलब कि जितने भी मैटर होंगे डिफरेंट टाइप के, वो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने होंगे और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो चौक के एटम है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, डस्टर के एटम है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, हमारा ब्लैक बोर्ड जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उसकी भी प्रॉपर्टी क्या होगी? डिफरेंट होगी। मीन्स मैटर इज अ मेटर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो भी मैटर होगा वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उस स्मॉल पार्टिकल को हम एटम या मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आगे देखते हैं, एज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। मतलब जब मैटर हमारा डिफरेंट डिफरेंट होगा तो उसके जो पार्टिकल होंगे वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। मतलब हमारा एटम भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। जब एटम डिफरेंट होगा उस एटम की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। वही आगे लिखा गया है, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। देयरफॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम आगे बात करते हैं लॉ। कुछ केमिस्ट्री के कुछ लॉज दिए गए हैं, अब एक एक करके उन लॉज को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आप लोग लिख डालिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम जानेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या। ठीक है, जैसे
कोई रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन कैसे? इन द सेंस सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम चाय। सब लोग चाय पीते हो? चाय कैसे बनाते हो? चाय बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? मिल्क लेते हैं, चाय की पत्ती लेते हैं और क्या लेते हैं? शुगर डालते हैं, थोड़ा सा वाटर ऐड करते हैं, फिर उसे हम हीट करते हैं। तो जब हीट करेंगे तो मिल्क क्या होता है? चाय में कन्वर्ट हो जाता है। होता क्या है, जो चाय की पत्ती होती है उसमें से जो केमिकल होते हैं रिएक्ट करते हैं किससे? मिल्क से। तो मिल्क का कलर, मिल्क की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, हमारा क्या हो जाता है? चाय। जैसे चाय बनाने के लिए जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, जैसे चाय की पत्ती, मिल्क, वाटर, ये सब हमारे क्या हुए? रिएक्टेंट। फाइनली बना क्या? चाय। चाय हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट। ठीक है, चावल बनाना है, यहाँ पे हम क्या राइस लिए, राइस लिए, उसमें क्या डाले? वाटर। तो राइस प्लस वाटर, ये हमारा क्या हुआ? राइस लिए प्लस वाटर, जब दोनों को ऐड करके यहाँ पे हम क्या करेंगे? हीट कर देंगे, गैस पे रख दिए, गैस को हम ऑन कर दिए। जब उसके बाद होता क्या है कि राइस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? चावल बन गया। ठीक है, मतलब होता क्या, जो भी मैटर, जो भी एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके कुछ नया बनाते हैं, जो बनता है वो नया क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। जैसे हमने लिया ए और बी, दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिए? सी। ये हमारा क्या होगा? रिएक्टेंट। ये क्या होगा? ये जो हमारा सिंबल एरो है, एरो के लेफ्ट में जो लिखते हैं वो रिएक्टेंट होता है, राइट में जो लिखते हैं प्रोडक्ट होता है। तो क्या है? लास्ट केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसमें रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, कुछ नया कैसे बना रहे हैं, इन सब की स्टडी किसमें करेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें टू लॉज दिए गए हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें हम टू लॉज की स्टडी करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सेकंड हमारा क्या है? लॉ ऑफ डिफ्यूजन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पर डिस्कस करेंगे। हो गया बच्चों? तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। बेटा किसी को पता है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता क्या है? देखो हम बताते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, इसको वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ए टू जेड कोई भी केमिकल रिएक्शन लेंगे, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को हम कहीं ऐड करेंगे ना ही डिस्ट्रॉय करेंगे। जितना मास हम शुरू में लेंगे उतना मास हमारा लास्ट में रहेगा। मीन्स जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास ही प्रोडक्ट का होगा। उस केमिकल रिएक्शन में कहीं भी मास हमारा कंज्यूम नहीं होगा ना ही कहीं उसे अलग से ऐड करेंगे। देखते हैं,
ये हमने क्या लिया है, वाटर, सब लोगों ने देखा है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। देखो बेटा वाटर कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है, ऑक्सीजन एटम है, ये क्या है, वाटर। लेकिन जो रिएक्शन अभी हम लिखे हैं ये बैलेंस्ड नहीं है, इसको हम बैलेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे O2 कर देंगे, यहाँ पे S2 कर देंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा इसको हम 4H भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये जो हाइड्रोजन होता है ये एटम के फॉर्म में इस एटमॉस्फेयर में नहीं प्रेजेंट होता है, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एटम के फॉर्म में एस्टेब्लिश नहीं होता है। एटमॉस्फेयर में हमारे जो जिस फॉर्म में एस्टेब्लिश होगा उसी फॉर्म में पाया जाएगा, अगर कोई एटम अनस्टेबल है तो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमारे एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन होता है वो गैस के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, गैस के। कभी भी हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में नहीं पाया जाएगा, हमेशा किस फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में। तो गैस के फॉर्म में क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है, नॉट हाइड्रोजन एटम। इसीलिए हमने हाइड्रोजन को 4H ना लिख के S2 लिखा है, ये क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हमने आगे 2 लगा दिया है, कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 2, हमने लिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर। ये हमारा क्या है, ठीक। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन टोटल, 2 to the 4 दिख रहा है, कितने ऑक्सीजन है, 2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 लगा नहीं है लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, कितने ऑक्सीजन है, 2। यहाँ तक समझ आया सबको। अब देखते हैं यहाँ पे हमने कितना लिया है वेट, हाइड्रोजन का जो वेट होता है 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे इसका मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितने मॉलिक्यूल है, 2, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पे हाइड्रोजन हमने कितना लिया है, 4 ग्राम, समझ में आया, हाइड्रोजन कितना लिया है, 4 ग्राम। बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, कितना होता है, 16। कितने ऑक्सीजन है, 2 है, एक नहीं बेटा, 2 है ना, ये तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक है लेकिन ऑक्सीजन एटम की बात करें कितने एटम है, 2। इसका वेट कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वेट, देखो एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है मल्टीप्लाई बाई 16, कितना आया, 32। तो हमारा ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम, ठीक है। जो हम केमिकल रिएक्शन में वाटर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमने हाइड्रोजन गैस लिया कितना लिया है, 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम। और हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट, जो भी एरो के लेफ्ट में लिखते हैं वो क्या होता है, रिएक्टेंट। अब जिस साइड एरो का हेड होगा हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट, जो एरो लगा होगा, एरो के जो टेल के साइड लिखा होगा रिएक्टेंट होगा, एरो के जो हेड की साइड लिखा है वो प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट हाइड्रोजन 1, कितने हाइड्रोजन है, 2, ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पे इतने में 2 है ना, इसको ऐसे निकालेंगे, इसे वाटर का निकालना है, पहले वाटर का निकाल लो, हाइड्रोजन कितना 1, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितने हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने ऑक्सीजन है, 1, ऑक्सीजन का होता है 16, कितना आ जाएगा, 18 आया। अब यहाँ पे देखो वाटर के 1 मॉलिक्यूल का
18 है, कितने मॉलिक्यूल है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 36। तो ये 2 का कितना आएगी 36 ग्राम। देखो अब इसको भी जब ऐड करेंगे कितना आएगा 4 + 32 36 ग्राम। समझ में आया, ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पे क्या है कि रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास है ऐड कर दिए 36 ग्राम। प्रोडक्ट में जो वाटर बना है उसका भी मास कितना है, क्या मास कहीं हमने कंज्यूम किया, कहीं क्रिएट किया, कहीं डिस्ट्रॉय किया, कुछ भी नहीं हुआ ना। जितना मास शुरू में लिए थे लास्ट में उतना मास हमारा रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन इतना बचा हुआ है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, मतलब मास को ना तो हम केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को हम बना सकते हैं, ना तो ऐड करते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, जितना हम रिएक्टेंट में मास लेंगे आफ्टर रिएक्शन उतना ही मास मुझे मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये क्या है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। सबके समझ में आया, इरेज करें बेटा। ठीक, आगे चलिए। थर्ड है, सेकेंड है ला कांस्टेंट प्रपोर्शन को हम और क्या बोल सकते हैं, कंपोजिशन। ठीक, नोट कर लो। फिर से लिख लो, इन अ केमिकल कंपाउंड हो गया। क्या लिखा है, आप केमिकल कंपाउंड, किसी भी केमिकल कंपाउंड, मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड आप ले सकते हैं, इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट, वो हमेशा सेम एलिमेंट से बना होगा। ठीक है, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ द मास। जैसे हम वाटर की बात करते हैं, हमने इससे पहले वाटर का एग्जाम्पल लिया था, वही समझते हैं। हमने क्या लिया है, वाटर,
अब वाटर चाहे हम आर्य घर का वाटर हो या आपके घर का वाटर हो, हमने रिवर से वाटर ले लिया, पॉन्ड से ले लिया, बोले नहीं हम लेक से लेके आएंगे, लेक से लेके चले आओ, ठीक है, कहीं से भी वाटर, बारिश में इसका पानी लिए, रेन वाटर ले लिए, कोई भी वाटर हो, ठीक है, वाटर हम कुछ भी ले, वाटर हमेशा किससे मिलके बनेगा, अपने एलिमेंट से, किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब हम अमेरिका चलेंगे, बोले हम तो अमेरिका का वाटर पियेंगे, अगर वहां का वाटर लिए हैं वो भी वाटर किससे बना होगा, सेम एलिमेंट से, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कहने का मतलब क्या है, कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, अब उस केमिकल कंपाउंड को लेके हम कहीं भी चले जाएं, अर्थ पे चले जाएं, मून पे, अर्थ पे नहीं, मून पे चले जाएं, मार्स पे चले जाएं, या मार्स पे चले जाएं, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी जाओगे, वाटर तो वाटर ही रहेगा, वाटर तो चेंज होगा नहीं। तो जो वाटर हमारा है, कहीं भी हम रहेंगे, कहीं का भी वाटर ले ले, नदी, तालाब, कहीं का भी, ठीक है, तो वाटर जिसके जो एलिमेंट है क्या वो चेंज हो जाएंगे, कभी नहीं चेंज होगा। मतलब कि जो हमारा वाटर है वो हमेशा अपने ही कंपोनेंट से मिलकर बनेगा, ठीक है, किससे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। क्या लिखा है, अ केमिकल कंपाउंड इज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट, अपने ही एलिमेंट से वो मिलकर बनेगा, ठीक है। अब चाहे हम जहाँ रहे, चाहे जिस भी वाटर की बात करते हैं, क्या लिखा है, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम थिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द मास। मतलब अभी जब इसके पहले हम डिस्कस किया किए थे, कितने ग्राम वाटर था, ये देखो ध्यान से, फिर से देखो बेटा, यही था ना इसके पहले। अगर इसमें हम रेशियो निकालते हैं क्या आएगा, इसमें जो एलिमेंट है, जो वाटर के एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो जो वाटर के एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें रेशियो किस कितने का है, 1:8, ठीक है। हम एक टैंक लेते हैं, ठीक है, या एक, ठीक है, जैसे हमने, हमें क्या बनाना है, वाटर बनाना है, हमने एक टैंक लिया, उसमें हमने क्या मिलाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर देखा, जब मिलाया तो क्या बना, वाटर, लेकिन उनके बीच रेशियो कितने का था, हाइड्रोजन का 1 ग्राम किसने से रिएक्ट कर रहा था, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से। कितना भी हम उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दें, लेकिन जो हमारा वाटर बनने का रेशियो था कैसे आ रहा था, कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म 9 ग्राम वाटर। समझ में आया, तो क्या कह रहा है कि सेम फिक्स प्रोपोर्शन, जो इनका प्रोपोर्शन है मास का वो क्या है, फिक्स है। अब यहाँ पे 2 ग्राम 8 ग्राम से रिएक्शन नहीं करेगा, जब भी हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं वाटर बनाने के लिए, तो जो हाइड्रोजन है 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तभी 9 ग्राम से नहीं करेगा, केवल कितने से करेगा, 8 ग्राम से, 8 ग्राम से रिएक्शन करेगा और कितना बनाएगा, 9 ग्राम वाटर बनेगा। यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। मतलब इसका कंपोजिशन क्या है, कांस्टेंट। जैसे हमें क्या करना है, फ्रेंडशिप करनी है, हैंडशेक करना है, हमारे पास कितने हैंड है, दो, एक इससे करेंगे, इससे करेंगे, क्या तीसरा हाथ है, नहीं है ना, तो हम क्या फिक्स है ना, ये तो है नहीं, किसी के पास 3 हैंड है, सबके पास 2 है, बॉन्ड बनाना है किसी के साथ, एक इससे बना लिए, एक इससे बना लिए, तो फिक्स ना, 2 ही हैंड है, हम 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं। वैसे ही जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो किस रेशियो में मिक्सअप होगा, कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म 9 ग्राम वाटर। ये हमारा क्या बता रहा है,
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, यही रेशियो वाटर का हर जगह रहेगा, चाहे अपने घर में हम ये करेंगे प्रोसेस, लैब में करते हैं, मुंबई में जाके करेंगे, अमेरिका में जाके करेंगे, कभी भी 1 ग्राम 9 ग्राम से नहीं रिएक्ट करेगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन 7 ग्राम ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करेगा, केवल कितना चाहिए 8 ग्राम। यही हमारा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? थैंक यू।